बैठा वरुण पीछे और आज रेशमा भी जा रही है हमारे साथ क्योंकि इसको नोएडा का पता है ना इसीलिए। अपनी डेस्टिनी क्या बोलते हैं डेस्टिनी में जहाँ पे हमें आना चाहिए था ये है हॉस्पिटल इधर। और यहाँ पे इतनी ग्रीनी है नोएडा में बहुत अच्छा है देखो पेड़ पौधे घर के आगे है ना वो रेशमा कितना अच्छा लग रहा है ना घर भी कितना अच्छा वही ना। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं लंच लंच नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट 9:30 बजे खुलेगा अभी ये रहा हॉस्पिटल और इधर हम बैठ के खा रहे हैं घर से बना के लाए थे खा पी के अपना उसके बाद ये वरुण खा रहा है इधर और रेशमा खा रही है इधर दो पराठा खा लेंगे जल्दी हो जाएगा तो सब दर्जन चले जाएंगे यहीं से फिर सही रहेगा काम हो जाए भगवान आदि में मजा आएगा। तो हम पहले खा लेते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ अच्छा उतार दूँ यहीं पे अच्छा अच्छा देखो अभी तो कोई भी नहीं थे ना जब हम पहुंचे थे बच्चे ले लेके आज वरुण आ रहा पीछे पहुंच गए हम चल वेट कर रहे थे इधर आ रहे जब तक भैया उतारो तुम उतारना करवाने लग रहे वरुण के अलावा फोटो कॉपी मांगे कुछ पेपर्स के तो अभी रेशमा गई हुई नीचे भेजिए देखो ढूंढ के करवा के लाएगी और वरुण यहाँ बैठा है वेट कर रहा है गुंडा बच्चा इधर वाले में मैं क्या करूँ यहाँ पे वरुण का IQ लेवल टेस्ट कर रहे हैं मतलब नाम वाम पूछ रहे हैं इसका हाथ की ग्रिप्स वगैरह भी देख रहे हैं कितनी ताकत है पकड़ने में है नहीं है ये सब चेक किया जा रहा है फिर उसके बाद थर्ड डिपार्टमेंट में भेजेंगे हैं नींद सुबह जल्दी उठ गया था बार बार सो रहा था उठ रहा था नींद आ गई देख रहा था आपको इतनी गर्मी की जिसकी पूछे तो पंखे वो भी हवा नहीं दे रहे थे AC तो कहीं लगाई नहीं इसको आ रही नींद सोना तो चाहता है आवाज हो गई मुर्गी के बारे में लिखा गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए चलते यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट तक लगा हुआ चलो हो गया ठंडा पानी पी लो हाथ धो लो मुंह धो लो मत पी अच्छी चीज लिफ्ट बहुत गंदी स्मेल है इस लिफ्ट इतनी भीड़ी लिफ्ट बना रखी है ना इसीलिए
चलो अभी जा रहे हैं हम खुलने तो थे। अच्छा है ना, चमत्कार कुछ नहीं है, गर्मी से बेरा हाल हो रहा है, बेरा कह रही बुरा हाल हो रहा है। ओह माय गॉड, क्या लग रहा है? ओहो, लगता अब ज्यादा बड़े हैं वहाँ पे, इसीलिए सिर्फ दो फ्लोर में एसी लगा रखा है। रात के बज रहे 3 और लाइट नहीं हमारे यहाँ 11:30 बजे से। और सिर्फ हमारे गली के 5 घरों में लाइट नहीं है, मतलब हमारे खंभे में। इतनी बुरी आदत हो गई है, सो नहीं पा रहे। बिजली विभाग से बुलाया। ये देखो जाम, आज फिर हम जा रहे हैं पर उनको लेके नोएडा। आज लेट निकले थे ना, तो इसलिए इतना सारा जाम है आज गाड़ियों का। और वरुण ये बैठा और ये चला रहे गाड़ी। आज भगवान दे दे इसके पेपर शाइन करके, शाइन नहीं मतलब साइन करके। मेरा बेकार हो गया। कितनी सारी गाड़ी है ना वरुण के आपका। आज हम लेट निकले ना, उस दिन हम निकल गए थे 6 बजे, आज हम 7:20 पे निकले हैं, इसीलिए है ना वरुण। क्या बोलेगा? तो खाना बना के आई हूँ पूरा प्रॉपर, लेके भी आई हूँ कढ़ी चावल रोटी। पहुँच गए जल्दी, फिर खाएंगे बैठ के वहाँ पर। हम पहुँच गए हैं अभी ग्रेटर क्लास, और यहाँ आके पता चला है कि ये अपना फोन लाना भूल गए। का फोन आया घर से कि मम्मी पापा अपना बड़ा फोन भूला है। क्या करोगे बिना फोन? मेरा चलाओगे ना? मेरा लेके बैठे रहोगे? हाँ ये भी है, फोन से तो कुछ करने का नहीं है ना काम तुम्हारा। पता मैं एयरबड भूलाई और ये अपना फोन भूलाई। अगर वहीं पे पता चलता तो ले भी आते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद चलो, खैर कोई नहीं, काम जल्दी हो जाए तो घर आ जाएंगे। अरे वरुण, पापा को तू हो गया, पापा को भूल गया है ना। चलो पहुंच के मिलते हैं। खुल गई, रेड लाइट हुई थी। आगे से लेफ्ट लेंगे, अब घुसेंगे हम नोएडा की तरफ। ये लिखा कौन सी नदी है? ये यमुना जी। सूखी पड़ी है सारी यमुना तो। कुछ भी पानी नहीं है, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है। ये हम अब बिल्कुल नोएडा के अंदर घुस जाएंगे। ऊपर लिखा था वेलकम टू नोएडा। चलो एंटर हो गए हम नोएडा में पूरा प्रॉपर। आज ट्रैफिक बहुत है क्योंकि लेट आए ना, इसलिए जल्दी निकले थे। पहुंच गए हम, रास्ता भूल गए थे। यहाँ पार्किंग करके यही पीछे से चले जाएंगे। ठीक है। अरे स्मेल बहुत आती है ना यहाँ पे इस वाली लिफ्ट में। लिफ्ट में तो आ गए, अभी फ्लोर पे बस पहुँच गए हम। और जब देखो बस यूं करके बैठा रहता है। फाइल अभी हमारी लगी हुई है, जल्दी बंद हो जाए तो अच्छा, सब दे दिन चलेगा। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो मैम पेपर साइन करके देगी। वरुण से बातें वगैरह कर रही है। इसका आईक्यू लेवल टेस्ट फाइनली यही होगा, यहाँ से साइन करके देंगी, उसके बाद फिर हम सब दर्जन जा सकते हैं। मैं नहीं गई आज अंदर क्योंकि मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पिछली बार मैं अंदर गई थी, उससे पूछा गया था सब कुछ वरुण के बारे में।
अभी वरुण मुझे देख लेगा फिर बोलेगा ये खाना नहीं बनाती, ऐसे बोलने लगे हैं मैम भी ऐसे ही। पेपर से इसके बना रही है, सब देख रही है, बातें कर रही है वरुण से कि कितना IQ है क्या नहीं है, उस हिसाब से टिक मार्क लगा रही है। नोएडा वाले हॉस्पिटल से हो गए फ्री, 11 बज रहे और अभी हमें भेजा है सफदरजंग दोबारा, इसको साइकेट्रिस्ट क्या बोलते हैं उसको, साइकेट क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट हाँ, उसको दिखाना है फिर उसके बाद वो बताएंगे कि क्या करना है। ये बैठा पीछे और गाड़ी चलाते चलाते ही हम ये खाना खा रहे हैं अभी यहीं पे, इनको खिला दिया दोनों को, बाप बेटे को, और अब मैं खा रही हूँ चावल, ऑल टाइम माई फेवरेट, तो कड़ी चावल में खा रही हूँ। देखते सफदरजंग कितने बजे पहुँचते हैं। हालत बुरी होने वाली कमर की, बात क्या हुआ, क्या कह रहा है, यहाँ तो नहीं आना पड़ेगा ना दोबारा, यहाँ तो दोबारा नहीं आना ना, यहाँ का काम खत्म। चलो बढ़िया है, चलो मैं खा लेती हूँ पहले। बहुत भीड़ है अभी, गए वो पार्किंग में लगाने के लिए। प्यास लग रही थी इन लोगों को तो ये गए गन्ने का जूस मंगवाने, बनवाने। अब ये गन्ने का जूस पियेंगे बाप बेटा, मैं तो पीती नहीं हूँ। तो इसी के साथ ये ब्लॉग में यही एंड करते हैं, घर बस अब पहुँच जाएंगे हम आधे घंटे में। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।